हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट तो खैर मॉडल्स का था, थर्ड यूनिट हम आपका साइकोपैथोलॉजी वाले कोर्स का उससे रिलेटेड इसमें डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और जो थर्ड यूनिट है आपका वो है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ऊपर, तो चिंता विकृतियां जो हैं वो आपका थर्ड यूनिट है, तो उसके विषय में ही हम आज बात करने वाले हैं। चिंता विकृतियां जो है या एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे मानसिक समस्याएं होती हैं व्यक्ति की जिनको पहले स्नायु विकृति भी बोला जाता था, लेकिन अब जो है इसका नाम चेंज करके इसको एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकृति जो है वो बोला जाता है। तो कई पुरानी बुक्स में इसको स्नायु विकृति या साइकोलॉजिकल न्यूरोसिस के नाम से भी इसको मेंशन किया गया है। तो ये वो विकृतियाँ होती हैं जो कुछ ना कुछ जिनमें एंग्जाइटी जो एक सिम्टम है वो प्रोमिनेंट रहता है ना, तो एंग्जाइटी का जो सिम्टम होता है इन विकृतियों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एंग्जाइटी क्या होती है ये हम पहले बात कर चुके हैं, और ये जो सबसे जो प्रोमिनेंट सिम्टम होता है इसका एंग्जाइटी या चिंता रहता है, और इसमें कई तरह की और विकृतियां हैं जो इसका हिस्सा मानी जाती हैं। उनमें से कुछ हैं दुर्भीति या फोबिया, देन पैनिक डिसऑर्डर या भीषिका विकृति जिसको बोलते हैं, देन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD जिसको बोलते हैं, देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति कहा जाता है, एंड देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या उत्तर आघातीय तनाव विकृति बोला जाता है, देन एक्टिव स्ट्रेस डिसऑर्डर तीव्र तनाव विकृति। इस तरह की जो विकृतियां हैं वो इसके अंडर आती हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि इसका जो मुख्य लक्षण होता है वो होता है किसी ना किसी तरह की एंग्जाइटी जो कि इन सारे डिसऑर्डर्स में देखने को मिलती है। अब इसके कुछ एक जो लक्षण हैं हम देखते हैं कि क्या सामान्यता क्या लक्षण इन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स जितने भी हमने बात की, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, चाहे वो पैनिक डिसऑर्डर हो, चाहे वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो, जितने भी हमने बात की अभी एग्जांपल दिए मैंने, उन सभी में एंग्जाइटी जो है मुख्य सिम्टम के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जैसे कि हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी या साइकोपैथोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं, तो अब जो है पहले हमने इसकी देखी, इसका बैकग्राउंड देखा कि क्या होता है साइकोपैथोलॉजी और क्या नॉर्मल एबनॉर्मल में क्या फ़र्क होता है। देन सेकेंड यूनिट में हमने बात की कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट मॉडल्स और अप्रोचेस। अब थर्ड जो यूनिट है अब हम डिसऑर्डर्स के बारे में या मानसिक समस्याओं के बारे में या मानसिक रोगों के बारे में हम ये सारी चर्चाएं शुरू करेंगे। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है दे आर माइल्डर एबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ बिहेवियर और कॉग्निटिव इमोशनल एंड मोटर प्रोसेसेस विच यूजुअली ओनली पार्शियली इनकैपेसिटेट द इंडिविजुअल एंड वेयर द बेसिक सिम्टम्स आर समहाउ कनेक्टेड विद एंग्जाइटी। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, दीज आर माइल्डर एबनॉर्मैलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट इज कॉग्निटिव इमोशनल एंड मोटर प्रोसेसेस। इनमें जो विकृति रहती है या जो दोष रहता है वो थोड़ा सा माइल्डर रहता है, हल्का रहता है। मतलब कि ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हम इनको ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। माइल्ड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये, जो कि व्यक्ति के संज्ञान में या समझने सोचने समझने की शक्ति पे प्रभाव डालती हैं, इमोशंस पे प्रभाव डालती हैं, एंड एक्टिविटीज़ पे फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे प्रभाव डालती हैं, लेकिन कैसी होती हैं, माइल्ड होती हैं, एंड जो कुछ हद तक पार्शली इनकैपेसिटेट द इंडिविजुअल, जो पूरी तरह से नहीं बट कुछ हद तक व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, अपना काम करने से रोकती हैं या उसके काम में बाधा पहुंचाती हैं। क्योंकि कोई भी मानसिक समस्या होती है तो वो जो है नॉर्मल जीवन जीने में कुछ ना कुछ
अवधान उत्पन्न सॉरी व्यवधान उत्पन्न करती है या कुछ ना कुछ उसमें डिफ़िकल्टी पैदा करती है। तो पार्शली इस तरह की चीज़ें इसमें देखी जाती हैं एंड वेयर द बेसिक सिम्टम्स आर समहाउ कनेक्टेड विद एंग्जाइटी। जैसे पहले ही कहा कि जो बेसिक सिम्टम होते हैं वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी के होते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर जितनी भी तरह की समस्याएँ जो हैं वो स्टडी की जाती हैं। तो अब जो है इसके जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हमने डिसऑर्डर्स की बात की कि इसमें फोबिया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या और दो तीन तरह की हमने और बात की, तो उनमें सभी में एक तो चीज़ कॉमन है कि सभी में एंग्जाइटी जो है एक बड़े सिम्टम के रूप में सामने आता है और कुछ एक जनरल सिम्टम्स हैं जो सभी तरह के एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन कि जनरल सिम्टम्स या सामान्य जो लक्षण हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो जैसे बार बार हम बात कर ही रहे हैं कि एंग्जाइटी एक बहुत प्रोमिनेंट या डोमिनेंट सिम्टम होता है, तो सबसे पहले हम एंग्जाइटी की ही बात करते हैं कि इट इज़ द मेन सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, द कॉज ऑफ द एंग्जाइटी इज़ नॉट नोन टू द पर्सन। अब इसमें क्या होता है कि इसको हम क्यों हम डिसऑर्डर मान रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स को, बिकॉज इसमें जो एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति वो उसका कारण आमतौर से व्यक्ति को खुद को पता नहीं होता है। जो नॉर्मल एंग्जाइटी होती है उसमें क्या होता है कि कारण व्यक्ति को पता होता है साधारणतः, लेकिन यहाँ पर जब ये प्रॉब्लमेटिक एंग्जाइटी बन जाती है तो उसमें हर समय व्यक्ति को लगता है कि कुछ ना कुछ खतरा है, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी वो महसूस करता है, कुछ ना कुछ उसको जैसे संशय रहता है, डाउट रहता है अपने एनवायरनमेंट के ऊपर, लोगों के ऊपर कि कुछ बुरा होने की आशंका, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो जबकि उसको उसका वास्तविक कारण ठीक से पता नहीं होता। देन द अमाउंट ऑफ एंग्जाइटी इज सो मच दैट इट इंटरफेयर्स विद द डे टू डे एक्टिविटीज, दैट इट इंटरफेयर्स द इट इज इट। और एंग्जाइटी जो है वो इतनी हो जाती है कि वो दिन प्रतिदिन के जो उसके कार्य होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न करती है। देन फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है, अनिश्चित भाव रहता है, अनिश्चितता का भाव रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होने वाला है, हेल्पलेसनेस या असहाय भाव रहता है कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग टू इम्प्रूव माय सिचुएशन, देयर इज़ नथिंग इन माय हैंड, हेल्पलेसनेस का भाव रहता है, नर्वसनेस या घबराहट बेचैनी का भाव रहता है। फिर उसके साथ फिजिकल जो सिम्टम्स हैं कुछ एक वो भी देखने को मिल सकते हैं एंग्जाइटी के, वो है स्टमक एक है यानी कि पेट का दर्द महसूस कर सकता है व्यक्ति, हेडेक है यानी कि सिर दर्द, मसल टेंशन है बॉडी में, उसके तनाव रहता है मसल्स में, हर समय बॉडी उसकी जकड़न या तनाव महसूस करती है। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। तो सम ऑफ द सिम्टम्स लाइक अनसर्टेनिटी, हेल्पलेसनेस, नर्वसनेस, ये जो हैं साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, एंड देन स्टमक एक, हेडेक, मसल टेंशन एट्सेट्रा, दीज आर द फिजिकल सिम्टम्स। तो इस तरीके से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में एंग्जाइटी जो है एक मुख्य सिम्टम होता है और इस तरह से एंग्जाइटी जो है वो प्रभावित करती है उस व्यक्ति को जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की से प्रभावित होता है। देन सेकेंड इज इमोशनल टेंशन, दिस इज द सेकेंड जनरल सिम्टम ऑफ ऑल द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। इमोशनल टेंशन या जिसको हम बोलेंगे संवेगात्मक तनाव। संवेगात्मक तनाव क्या होता है, एक्सेसिव इमोशनल सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव रहना, छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाना, छोटी छोटी बातों से चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाना, डर जाना, तो ये एक्सेसिव इमोशनल सेंसिटिविटी, जितने भी हमारे इमोशंस हैं उनके प्रति एक्सेसिव सेंसिटिव हो जाना। एंड हाइपर एक्टिविटी, हाइपर रिएक्टिविटी फॉर पेन एंड स्ट्रेस, और दर्द या पीड़ा एवं तनाव के प्रति हाइपर रिएक्टिव हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया शो करना, मतलब थोड़ा सा दर्द है तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करना, थोड़ा सा तनाव है तो बहुत ज़्यादा तनाव महसूस करना, तो हाइपर रिएक्टिविटी फॉर पेन एंड स्ट्रेस, एंड देन एक्सेसिव इमोशनल सेंसिटिविटी। देन टेंशन हेडेक्स, इरिटेबिलिटी, विड्रॉल आर ऑल्सो फाउंड
in the individual suffering from anxiety disorders, headaches जो है उनको tension headaches का होना, जैसे ही कोई चिंता तनाव हुआ उस हेडेक्स हो जाना, इरिटेबिलिटी चिड़चिड़ापन और विड्रॉल हो जाना, विड्रॉल का मतलब है प्रतिहार या अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, परिस्थितियों से अलग कर लेना, अलग थलग हो जाना हर चीज़ से, तो दैट इज़ विड्रॉल। तो इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो पाई जाती हैं जो कि इमोशनल टेंशन को दर्शाती हैं। देन थर्ड इज फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, दोष एवं निराशा का भाव। ये देखा गया है कि जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें आत्मदोष और निराशा के भाव से वो पीड़ित होता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड होपलेसनेस आर फाउंड इन द पर्सन। देन पेसिमिस्टिक फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के प्रति वो बहुत पेसिमिस्टिक या निराशावादी दृष्टिकोण उसका हो जाता है और उसको लगता है कि भविष्य में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, दुखद घटनाएं ही होने वाली हैं, तो इस तरह से वो निराशाजनक उसका सोच हो जाती है अपने भविष्य को लेकर। देन इनडिफरेंट लाइफ, उदासीनता या उदास तीन जीवन जो है वो व्यतीत करना शुरू कर देता है, मतलब उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना दुनिया की किसी चीज़ से, ना लोगों की किसी चीज़ से, ना वो इंडिफरेंट हो जाता है, उदासीन हो जाता है, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उस तरह का वो जीवन जो है उसका बन जाता है। देन फोर्थ सिम्टम इज इनएडिक्वेसी एंड इनसिक्योरिटी, दैट इज अयोग्यता तथा असुरक्षा का भाव, अयोग्यता तथा असुरक्षा का भाव। अब जो ये व्यक्ति एंग्जाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होता है वो उसमें अयोग्यता और असुरक्षा का लक्षण पाया जाता है, और जो व्यक्ति होता है वो छोटे छोटे कामों के लिए भी अपने आप को अयोग्य समझने लगता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो छोटे छोटे काम भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड समझना शुरू कर देता है। देन वो किसी परिस्थिति का ठीक से सही मूल्यांकन नहीं कर पाता और भय, चिंता, असुरक्षा के भाव से पीड़ित रहता है। फियर, वरी, इनसिक्योरिटी वो कॉन्स्टेंटली उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम्स को भी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट वो समझने लगता है। इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म सिंपल टास्क इन लाइफ और फील्स दैट ही कॉन्ट डू देम, उसको लगता है वो नहीं कर सकता छोटे छोटे काम भी, तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो इनएडिक्वेसी, जिसको अयोग्यता और असुरक्षा कहते हैं, उसको वो महसूस करता है या वो उसमें देखने को मिलती हैं, मतलब अपने आप को वो अयोग्य समझता है और असुरक्षित महसूस करता है। देन फिफ्थ सिम्टम इज ईगोसेंट्रिसिटी एंड डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे स्वार्थवाद तथा विच्छिन्न पारस्परिक संबंध। ईगोसेंट्रिसिटी इज स्वार्थवाद एंड डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप्स, दैट इज विच्छिन्न या विक्षुब्ध पारस्परिक संबंध। ये भी एक सिम्टम जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। दे ट्राई टू आइसोलेट themselves फ्रॉम अदर्स, दूसरों से वो अपने आप को अलग थलग कर लेता है, परिवार और समाज के लोगों से अलग थलग रहने का प्रयास करता है, और वो सिर्फ जो है अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स में ही, व्यक्तिगत ज़रूरतों पे ही वो ध्यान देता है, औरों की ज़रूरतों पर उसका ध्यान या औरों की किसी भी एक्सपेक्टेशन पर या किसी भी समस्या पर उसका ध्यान नहीं जाता, सिर्फ अपने पे ही उसका फोकस रहता है। ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन पर्सनल नीड्स। देन अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों की समस्याओं में तो वो रुचि नहीं लेता है, लेकिन दूसरों से अपनी समस्याओं के समाधान की वो उम्मीद करता रहता है, तो अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स रहती हैं उसकी, कि मैं तो कुछ करूँ ना करूँ लेकिन दूसरा मेरे लिए कुछ करे या मेरी समस्याओं के समाधान में हेल्प करे। देन दूसरे लोगों की समस्याओं में क्योंकि वो रुचि नहीं लेते, इसकी वजह से
जो उनकी अपेक्षाएं होती हैं वो अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, अयथार्थ हो जाती हैं ना, और उसकी पूर्ति जो है वो दूसरों के लिए भी करना संभव नहीं होता। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उसके रिलेशनशिप जो हैं दूसरे लोगों से ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड ड्यू टू इट। देन कई तरह के इरेशनल फियर्स या अतार्किक भय जो हैं उसमें आ जाते हैं। इरेशनल फियर्स जिनका कोई बेसिस नहीं होता, जिनका कोई कारण नहीं होता, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एंग्जाइटी, इनसिक्योरिटी, ये असुरक्षा की भावना, अपने आप को वो असुरक्षित महसूस करता है, संदेह करता है लोगों के ऊपर, और उसे डर रहता है हर समय हर परिस्थिति में। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। परसेप्शंस जो हैं उसकी वो अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, उसकी जो अंडरस्टैंड करने की जो एक क्षमता होती है वो उस पर उसका प्रभाव पड़ता है एंग्जाइटी का, और उसकी वजह से वो अनरियलिस्टिक परसेप्शंस हो जाती हैं। सही प्रकार से वो मूल्यांकन नहीं कर सकता उसके चारों तरफ की परिस्थितियों का। तो इस तरह से ये जो लक्षण है इसमें देखने को मिलते हैं। देन रिजिडिटी एंड लैक ऑफ इंसाइट। रिजिडिटी एंड लैक ऑफ इंसाइट का यानी कि अनम्यता तथा सूझ की कमी। रिजिडिटी इज अनम्यता एंड लैक ऑफ इंसाइट इज सूझ की कमी, ये भी उसमें देखने को मिलता है। उसका जो व्यवहार होता है वो रिजिड होता है या अनम्य होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो चेंज नहीं करना चाहता। व्यवहार उसका बहुत दृढ़ होता है, जैसा वो कर रहा है जो भी उसके तौर तरीके हैं जीवन के, वो उनको बदलना नहीं चाहता है, चाहे उसकी वजह से उसको दिक्कत भी आ रही हो। और जो एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं उनके हिसाब से या उनके अनुकूल वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या दृष्टिकोण को, काम करने के तरीके को या बिहेवियर को परिवर्तन नहीं कर पाते वो, तो अन अडेप्टेबल टू चेंजेस होते हैं, परिवर्तनों के प्रति वो चेंज नहीं करते हैं अपने व्यवहार को, जो कि हमें समायोजन या एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है कि जैसे परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें अपने व्यवहार को उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है ताकि हमारा संतुलन बना रहे। देन पुअर एडजस्टमेंट, और इसी की वजह से उनकी एडजस्टमेंट बिगड़ जाती है क्योंकि वो चेंज नहीं कर पाते परिस्थितियों की वजह से अपने तौर तरीकों को, तो उनकी जो एडजस्टमेंट होती है या समायोजन होता है वो पुअर या ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। देन दे फेल टू बी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी जो है उनमें नहीं होती है, और इसके कारण जो है उनको कई दिक्कतों का सामना भी अपनी डे टू डे लाइफ में करना पड़ता है, ठीक है। एंड वो अपना वही पुराना व्यवहार जो है, वो जो रिजिड व्यवहार है उसी को व्यक्ति बार बार दोहराता रहता है, क्योंकि उसमें सूझ की कमी भी हो जाती है जो उसे इन सब चीज़ों को चेंज नहीं करने देती या परिस्थितियों के साथ ठीक ढंग से एडजस्ट नहीं होने देती। देन देर आर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक लक्षण भी जो हैं वो कई तरह के इसमें पाए जाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति जो है उसमें व्यक्ति में देखने को मिलती है। जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षणों में तो हम जैसे बात कर ही चुके हैं कि एंग्जाइटी मुख्य लक्षण है, देन फियर है, देन ऑब्सेशन है कि बार बार किसी विचार का मन में आना उठना, बार बार ऑब्सेशन, कंपल्शन, किसी काम को बार बार करने की इच्छा होना, किसी काम की बार बार आवृत्ति या पुनरावृत्ति करना, जिन विचारों की, जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं है उनको रिपीट करना, वो हो गया ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। डाउट, संदेह करना लोगों पर, परिस्थितियों पर। देन फिजिकल जो सिम्टम्स हैं वो हो गए पैरालिसिस, यानी कि जिसको लकवा कहते हैं, पैरालिसिस या लकवा, ये भी देखने को मिलता है। फटीग या थकान देखने को मिलती है। हेडेक जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। एंड इन सब चीज़ों का जो बेसिस है, जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हमने ऊपर बात की, इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, शारीरिक कारण नहीं होते। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक
लक्षणों की अभिव्यक्ति भी इस एंग्जाइटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है। देन बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक लक्षण होता है दैट इज़ फॉल्टी एडजस्टमेंट, या जिसको बोलेंगे दोषपूर्ण समायोजन। समायोजन दोषपूर्ण हो जाता है, चिंता, असुरक्षा का भाव, अयोग्यता का भाव कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इनसिक्योरिटी फील करना, ईगो सेंट्रिसिटी या स्वार्थवाद जो है सिर्फ अपने बारे में ही सोचना, दूसरों पे संदेह करना, अनम्यता या रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का ना होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यक्ति को अपने परिवार से, समाज से, इमोशनल रूप से जहाँ जहाँ भी वो जुड़ा होता है उन सब से दूर कर देती हैं, और उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी इसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अपने पारिवारिक संबंध भी उसके बिगड़ जाते हैं। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में इस तरह के जो लक्षण हैं साधारणतया सारी जितने भी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एक बात इसमें ख़ास तौर से ध्यान देने वाली ये है कि स्टिल द पर्सन इज़ कनेक्टेड विद रियलिटी। इन सब लक्षणों के बावजूद जो व्यक्ति है वो वास्तविकता से परिचित रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि माइल्ड एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ये बिहेवियर की, जो कि बहुत कॉमनली जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है उसका बिहेवियर कि वो अपनी डे टू डे लाइफ को बिल्कुल भी नहीं चला सकता। साधारणतः तो ये चीज़ें आसानी से पता भी नहीं चलती हैं, क्योंकि इसमें रियलिटी से कनेक्टेड रहता है, उसको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो जो कर रहा है सही है या गलत है, ये अलग बात है कि वो उनको अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता सही तरीके से, तो इसलिए जानते हुए भी ये सारे सिम्टम्स जो हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो यही फ़र्क है इनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में और जो दूसरे हायर डिसऑर्डर्स हैं उनमें, क्योंकि जो दूसरे हायर डिसऑर्डर्स हैं उनमें वास्तविकता से बहुत दूर हो जाता है व्यक्ति। जब हमने नॉर्मल एबनॉर्मल की बात की थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेलिटी एंड एबनॉर्मेलिटी की बात की थी, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आपने देखा आती थी, आई थी ये पॉइंट्स भी, एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था, इनसाइट या सूझ से संबंधित भी किया था, तो और वास्तविकता से दूरी जो है वो हो जाती है ये भी हमने बात की थी। तो जितनी ज़्यादा वास्तविकता से दूरी हो जाएगी उतना ज़्यादा व्यवहार जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और अबनॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ वास्तविकता से दूरी जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसको वास्तविकता का परिचय रहता है, लेकिन ये अलग बात है कि वो उसके बावजूद भी इन सिम्टम्स से सफ़र करता है, क्योंकि वो उस पर उसका उसको ये लगता है कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के विभिन्न सामान्य लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके आगे का जो मैटर है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अपनी अटेंडेंस एज यूजुअल आप कमेंट बॉक्स में डालें, किसी दिन बीच में लाइव सेशन भी गूगल मीट वगैरह के थ्रू कर लेंगे, डोंट वरी फॉर ऑल दोज थिंग्स, और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहें, और थोड़ा सा कई बार देर हो जाता है आपको वीडियो लाने में, एक तो जब आपका वीडियो होता है तो जनरली लंबा होता है, जबकि यूट्यूब में इतने लंबे वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, डेटा भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो आपका जो एक वीडियो होता है तकरीबन वो दो वीडियो के बराबर तो होता ही है। उसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि आई हैव अदर क्लासेस ऑल्सो, तो थोड़ा सा कई बार कम भी होंगे वीडियो, तो डोंट वरी फॉर दैट, जो आपके पास मटेरियल है उसके आप नोट्स बनाते रहिए, उसको समझें, उसकी प्रॉब्लम्स निकाल के रखें, तो जब भी फिर हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।